कहते हैं हौसले हो बुलंद तो मंजिल जरूर मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैं बेटी हूं और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। ये सभी इनाम आप देख रहे हैं और ये इनाम उस शख्सियत के हैं जिसे आज आपको हम इस खास कार्यक्रम में मिलवाने वाले हैं, रीटा गंगवानी, हिमाचल के शिमला की बेटी जिन्होंने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं और उनके सामने इतनी रुकावटें आईं, शायद इतनी रुकावटें किसी के सामने आए तो वो हार मान जाए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। किस तरीके का इनका जीवन का सफर रहा आज जानेंगे। रीटा जी, शिमला की बेटी हैं, हिमाचल की बेटी हैं आप, और मुझे लगता है जब आज आपके बारे में और आपके पूरे जीवन के बारे में हमारे दर्शक जानेंगे तो उन्हें भी आप पर गर्व होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआती दौर की। शुरुआत की आपने आर्मी से, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैंने इंडियन आर्मी 1977 में ज्वाइन की थी, MNS कॉप्स में ज्वाइन की थी और हिमाचल प्रदेश की मैं पहली MNS कॉप्स की लेडी आर्मी ऑफिसर बन के बाहर निकली। तो शुरुआत आर्मी में 1977 से हुई थी और कुछ साल सर्व करने के बाद आर्मी को फिर मैंने क्विट किया। लेकिन आर्मी में जो आपको सीखने के लिए मिलता है, खास करके एक महिला को, आई थिंक आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं सारा का सारा शय आर्मी को ही देना चाहूँगी, क्योंकि आर्मी मेक्स अ मैन आउट ऑफ यू। यानी कि वो जो हमारी लड़कियों वाली हरकतें होती हैं ना, आर्मी में वो नहीं चलती, क्योंकि आर्मी में लड़के लड़कियाँ नहीं होती, आर्मी में कलीग्स होते हैं, आर्मी में आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो टाइम पे उठना, टाइम पे बैठना, हर चीज़ को सही ढंग से करना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं जो भी सीखी हूँ आर्मी से ही सीखी हूँ। तो रीटा जी, आर्मी से आपने शुरुआत की, लेकिन आप दर्शकों को पूरे जीवन के बारे में आपके बताएंगे। सबसे पहले परिवार में कौन कौन है? इस वक्त मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड के साथ मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बिटिया जो ब्याही हुई है, एक दोती है प्यारी सी, बेटा है बड़ा, दोनों बड़े हैं काफ़ी। और आजकल जैसे बच्चे बाहर चले जाते हैं तो दोनों बाहर बसे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मैं हैं और मेरे पास 6 छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कनाइन बच्चे हैं जिनकी मैं देखभाल करती हूँ। और मेरे पड़ोस में भी एटलीस्ट 10 या 11 और कनाइन बच्चे हैं मेरे, जिनके साथ मेरा वक्त ज़्यादातर बीतता है। दर्शक सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से आपने बताया परिवार में इतने लोग हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं आगे, तो इतना मेंटेन आपने खुद को कैसे किया है? आपकी ये दुविधा दूर करेंगे, ये राज भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से रीटा जी ने खुद को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन आर्मी पे आएंगे फिर से वापस, आर्मी से आपने शुरुआत की तो कैसे सोचा या कब आपके माइंड में ये थॉट आया कि मुझे आर्मी में जाना है, और जब आपने सोचा, परिवार से डिस्कस किया तो सपोर्ट मिला उनका आपको? देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कुछ लोग किसी को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई किसी की बातें सुनकर, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस हुई थी एक पुरानी फिल्म जिसको उपकार नाम है, मनोज कुमार जी की फिल्म थी, और आप जानते हैं मनोज कुमार देशभक्ति की बहुत सी पिक्चर्स बनाते थे। तो उपकार पिक्चर में उन्होंने एक फ़ौजी का रोल किया था जिसमें लास्ट में जब उन्हें गोली लगी थी तो वो आर्मी अस्पताल में गए थे और वहाँ ट्रीट हुए थे। तो वो आर्मी का माहौल और वो टेंट और जहाँ वो ट्रीट हुए, कहीं ना कहीं मेरे दिल को इतना छुआ कि मेरा मन किया कि मैं भी वो ज़िंदगी एक बार फील करना चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम मेरी सबसे बड़ी ये थी कि मैं कद में छोटी हूँ। मैं दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी, ये बहुत बड़ी बात है, मैं सिर्फ 4 फुट 10 इंच की हूँ, और मैं ज़िंदगी में जहाँ पर भी जाती थी रिजेक्शन ही मिलता था। एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन जहाँ भी जाती थी मेरी हाइट की वजह से मुझे नकार दिया जाता था। और एक टाइम ऐसा भी आया था ज़िंदगी में जब मैं ज़िंदगी से हार मान चुकी थी और मुझे लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि रिजेक्शन हमेशा मिलता था। और वही दौर था जब मैंने ये पिक्चर देखी और मन में ख्याल आया कि क्यों ना आर्मी देखूं। लेकिन आर्मी में जाने के लिए भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, जो मैं थी, आपकी आई साइट, ये वो सब कुछ फ़िट होना चाहिए। तो मैंने हिम्मत करके मेहनत करी, पूरी तैयारी करी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठी और आर्मी में मेरिट लिस्ट में निकली। और फिर मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर भेजा गया, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर में मैं ट्रेन हुई 3 साल एज अ कैडेट। और फिर वहाँ से 3 साल भगवान का इतना, आप कहते हैं कि आप जब कोई चीज़ बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात भी रास्ते खोलती है। तो भगवान ने इतना उस वक्त मुझे हिम्मत दिया कि 3 साल मैं ऑल इंडिया फर्स्ट रही और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल रही,
और जब मैं लेफ्टिनेंट के पद से आगे अपनी पोस्टिंग के लिए भी गई तो बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी भी मैं अपनी यूनिट से लेके आगे गई। रीता जी, जिस तरीके से आपने अपनी उपलब्धियां बताई कि इतनी बार आपको नकारा गया, बहुत बार रिजेक्शन आपको मिली, लेकिन बावजूद इसके इस कमजोरी को आपने अपने से दूर करके बाकी जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसको अपने सामने लाया, अपनी कमजोरी को नकारा और उसके बाद ये तमाम चीजें आपको मिली, ये तमाम उपलब्धियां आपको मिली। जी, क्योंकि जिंदगी में मैं समझती हूँ कि सक्सेस जो एक ऐसी चीज है ना, अगर इंस्टेंट मिल जाए ना तो वो टिकती नहीं है। लेकिन जो इंसान गिर गिर के फूक फूक के कदम रख के एक एक कदम आगे बढ़ता है, वो एक गेंद की तरह होता है। जितनी ज़ोर से आप नीचे फेंकोगे उतना ही वो ऊपर उछलता है। तो मैं समझती हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे नकारा, जिन्होंने मुझे हमेशा ज़िंदगी में पीछे रहने के लिए ही खींचा, उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं करते तो शायद इतनी हिम्मत ना आती कि मैं आर्मी ज्वाइन कर पाती। रीता जी, कई बार ऐसा होता है, जो दर्शक देख रहे होंगे शायद वो भी इस बात से अग्री करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा रिजेक्शन मिलता रहा और बार बार मिलता रहा, नकारा गया बार बार, तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और उन्हें लगता है कि अब हाथ में कुछ भी नहीं है, अब कुछ हो ही नहीं पाएगा। और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्या आपके मन में या दिमाग में कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर मैं रहने दूँ? नहीं, ऐसा थॉट नहीं आया, क्योंकि देखिए जो इंसान ज़िंदगी में हार जाता है वो कायर होता है। मैं कभी कायरों की श्रेणी में आना नहीं चाहती थी। मैंने ये ज़रूर चीज़ ज़िंदगी में सीखी है कि भगवान आपके सपने पूरे ज़रूर करता है, जो भी सपना आपके मन में हो सकता है डायरेक्ट ना मिले, इनडायरेक्ट मिले। मैंने आपसे कहा मैं मॉडल बनना चाहती थी, मैं एयरहोस्टेस बनना चाहती थी, ठीक है नहीं बन पाई, पर उससे भी बड़ा ओहदा आज भगवान ने दिया कि आज मैं उन्हें पढ़ाती हूँ। आज बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े एयरहोस्टेस मेरे हाथ से गुजरे हैं। तो कहीं पर भी अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान भी ये देखना चाहता है कि आप में कितनी हिम्मत है। कुछ देने से पहले वो आपको परखता है आप इसके लायक हो भी कि नहीं। और ज़िंदगी में आप देखेंगे जितने भी बड़े लोग हैं, जिनकी भी सक्सेस स्टोरी आप पढ़ेंगे, हर किसी ने ज़िंदगी में रिजेक्शन फेस की है और फिर उसी से आगे बढ़े हैं। क्योंकि रिजेक्शन इज़ अ माइलस्टोन, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इट्स अ माइलस्टोन। और जितनी रिजेक्शंस मिलेंगी उतने माइलस्टोन। कहते हैं कि जो जब लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं ना, कुछ लोग उस पत्थर के नीचे दब जाते हैं और कुछ लोग उस पत्थर से एक ब्रिज बना के उसके ऊपर से चढ़ के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। तो शायद मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने उन पत्थरों का ब्रिज बनाया और दूसरी तरफ पहुंची। जी, बहुत ही काबिले तारीफ़ ये बात है, क्योंकि आपके हौसले काफ़ी बुलंद हैं आपकी बातों से लगता है। और जितनी बेटियां इस कार्यक्रम को देख रही होंगी मुझे लगता है उनके भी हौसले बुलंद हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया हिमाचल के शिमला से आप हैं, छोटे से शहर से आप हैं, तो उस दौरान जब शुरुआत की आपने और सोचा कि अब मुझे आर्मी में जाना चाहिए और मैं खुद को बहुत स्ट्रांग मानती हूँ, तो उस वक्त फैमिली का कोई प्रेशर था या फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया आपको कि हाँ आपको करना चाहिए? देखिए, फैमिली में उस ज़माने में मेरे दो भाई थे जो बाहर पढ़ रहे थे, पिताजी थे जो डॉक्टर थे, और मैं जब पैदा हुई थी उसके कुछ सालों बाद मेरी माँ का देहांत हो चुका, तो मेरे पास कोई फीमेल सपोर्ट नहीं था। मेरे पिताजी का सपोर्ट था जो एक डॉक्टर थे, और उन्होंने मुझे खुली छूट दी हुई थी। वो जानते थे कि वो मेरी कमज़ोरियों को भी पहचानते थे और वो मेरी पॉजिटिव्स को भी पहचानते थे, और उन्होंने मुझे खुली छूट दी थी कि बेटा ज़िंदगी में जो भी करो ना, एक ही सीख दी उन्होंने ज़िंदगी में, जो भी करो उसमें पीछे नहीं, उसमें बेस्ट बन के दिखाना। और वो सीख आज तक मेरे साथ जुड़ी है। मैंने जिस चीज़ में भी हाथ डाला है कोशिश ये की है कि उसमें हमेशा बेस्ट रहूँ। तो सपोर्ट तो डेफिनेटली मिला, फादर का सपोर्ट मिला, और वैसे भी जो बेटियां होती हैं अपने पिताजी की बहुत लाडली होती हैं, उनसे हमेशा ही सपोर्ट ही मिलता है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत छोटी उम्र में माताजी का हाथ सर पर नहीं रहा, तो काफ़ी मुश्किल रहा उस दौरान आपके लिए? मुश्किल रहा, क्योंकि आई थिंक एक छोटी उम्र में माँ की बहुत ज़रूरत होती है, एक फीमेल फिगर जो आपको गाइड करे उसकी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक पिता भी माँ का रोल उतनी ही खूबी से निभाता है। हम ये समझते हैं कि माँ के बिना ज़िंदगी नहीं चलती, लेकिन पिता भी माँ और बाप दोनों का रोल बहुत बेखूबी निभाता है, जैसे माँ भी पिता का रोल बहुत अच्छे से निभाती है। लेकिन रीता जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वो कमी हमेशा खली, उस कमी को कोई पूरा भी नहीं कर सकता, लेकिन पिताजी ने बहुत अच्छे से निभाया और हर चीज़ में आपका सपोर्ट किया। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी दर्शक हमारे साथ मौजूद है, जुड़े हुए हैं, कि फ़िलहाल रीता जी
जिस तरीके से बता रही हैं कि उस साए से अनछुई रही हैं, लेकिन आज वो अनेकों अनेक बेटियों की माँ बनकर उनके सर पर अपना हाथ रखकर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक हेल्पिंग उनका नेचर है और उनकी बहुत सारी मदद करती हैं। मदद किस रूप में करती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ हमारी विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर को इन्होंने तैयार किया है और किस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग दी है वो हम रीटा जी से ही जानेंगे। तो किस तरीके से आप तैयार करती हैं इन सभी? देखिए, मेरा लोगों के ऊपर काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है तो पहले फाउंडेशन स्ट्रांग रखी जाती है, फिर उसके ऊपर लीपा पोती होती है। तो मैं पहले, कोई भी बच्चा स्टूडेंट मेरे पास आता है तो पहले मैं उसे खंगाल के, बचपन से लेके अब तक हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छी भी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, खंगाल कर वो स्कार्स, वो जो ज़ख्म आपकी ज़िंदगी में कई बार जो दिखते हैं नहीं दिखते, खंगाल के ऊपर निकालती हूँ। और फिर बिल्कुल एक कप खाली करके जब मुझे लगता है कि हाँ अब ये बच्चा तैयार है, तब मैं उसके अंदर अपनी नई सोच को डालने की कोशिश करती हूँ। तो मैं पहले इंटरनली काम करती हूँ और फिर उसके बाद एक्सटर्नली काम करती हूँ। जैसे कह सकते हैं हम कि आप वो जौहरी हैं जो हीरे की परख कर उसे तराशती हैं और तराशने के बाद उसे कोहिनूर बनाया जाता है। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि हीरे, हीरो में भी ग्रेड्स होते हैं, ऐसे ही इंसानों में भी ग्रेड होते हैं। हर एक हीरा ताज नहीं होता, लेकिन कई ऐसे हीरे होते हैं जो हारों में जड़े जाते हैं, भगवान के मुकुट पे जड़े जाते हैं। तो मैं पहचानने की कोशिश करती हूँ कि बच्चा किस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ सकता है और फिर उसका हाथ पकड़ कर उसे वही रास्ता दिखाती हूँ जिस फील्ड में वो अपनी पॉजिटिविटीज़ को 100% यूज़ कर सके। तो वो पहचानना और उसको सही रास्ता दिखाना और उसके अंदर के स्कार्स को दूर करना, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस इतना भरना कि अगर मैं कर सकती हूँ तो शायद कोई भी कर सकता है। तो ये चीज़ शायद मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ज़िंदगी में आगे ले जाने में मदद कर पाई। रीटा जी, बिल्कुल ही ये तो ट्रैक ही अलग हो गया। जैसे आपने बताया कि टर्निंग पॉइंट आया, आपने आर्मी ज्वाइन की और बहुत अच्छा आपका उसमें रहा भी सफ़र, तो उसके बाद एकदम से फील्ड चेंज करके और आपने कहा कि आप इस तरीके की बच्चियों को तैयार करते हैं, उन्हें तराशते हैं और उसमें मानुषी छिल्लर जो कि आज जाना माना हरियाणा का बहुत बड़ा चेहरा है, देश विदेश में उनका नाम है, उन्हें आपने तराशा, उन्हें आपने तैयार किया, तो एकदम चेंज करने की कब सोची? देखिए, आर्मी में जब मैं थी तो हम लोगों को ऑफिसर्स के रूप में एक स्पेशल सब्जेक्ट लगता है जिसको बोलते हैं OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, जिसमें चमचे खांटे से खाना, उठना बैठना, तहजीब क्या होती है, ये चीज़ सिखाई जाती थी। और जब मैं अपने घर जाती थी, अपनी फ्रेंड से मिलती थी, तो मैं वो कमी कहीं ना कहीं उनमें पाती थी जो हमें आर्मी में सिखाई जाती थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को सिखाना वो चीज़ें शुरू करी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी कला है जो मैं अच्छे से सिखा सकती हूँ। तो फिर जब मैं आर्मी से रिटायर हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सिविलियन है और हर 2 साल में अपनी पोजीशन को चेंज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, इन लॉज थोड़े ओल्ड एज के थे, तो मैंने आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उसके बाद मैंने अपने इसी सब्जेक्ट को और आगे देश विदेश में जाके सीखा। कह सकते हैं कि आपने अपनी आदत को, अपनी हैबिट को अपना प्रोफेशन बना लिया, औरों को सुधारने के लिए, औरों को सिखाने के लिए। बिल्कुल, जो आपकी आदत या आपका पैशन होता है ना, वो आपकी, उसको मैं नौकरी नहीं कहूँगी, मैं वो कहूँगी आपकी हॉबी ही आपकी नौकरी, और उसको आप उतना ही इंजॉय, उतने ही पैशन के साथ करते हैं। लेकिन उस ज़माने में सीखी हुई चीज़ें आज के ज़माने में काम नहीं आती, तो अपने को मुझे बार बार अपग्रेड करना पड़ता है। अब जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, हम लोग डिजिटल हो गए हैं, नेट कितना यूज़ होने लगा है, तो उन चीज़ों, जैसे आजकल बच्चे आते हैं क्लास लेने के लिए, नेटिकेट क्या होता है, यानी कि इंटरनेट पर आपका बिहेवियर कैसा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ईमेल हो, तो ये सब चीज़ें ऐड होती जाती हैं। खुद को भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपग्रेड करती रहूँ। और जहाँ तक मानुषी की बात है, मानुषी की मैं फाउंडर कोच हूँ, यानी कि पहले दिन से मैंने उसका हाथ पकड़ा था, मैं शायद पहली कोच थी जिसने उसका हाथ पकड़ा था। मिस इंडिया की जर्नी तक मेरा उसका हाथ था और मिस इंडिया बनने के बाद फिर जब वो मिस वर्ल्ड के लिए गई तो फिर मिस इंडिया के लोगों ने उसे तराशा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उसकी फाउंडर कोच हूँ। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने चेंज की, अपनी आदतों के अनुसार अपना प्रोफेशन बनाया, अपना पैशन आपने क्रिएट रखा, मानुषी को आपने तैयार किया, तो जिस तरीके से कहावत है कि परिवर्तन संसार का नियम होता है और उसी नियम को आपने अपनाए रखा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि मैंने ये पढ़ाई कर ली और ख़त्म हो गई बात, ऐसा नहीं होता।
एजुकेशन लास्ट मिनट तक, हर इंसान से भी आप कुछ सीखते हैं, हर सेकेंड हर मिनट आप जिंदगी में कुछ सीख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पानी से जब भी मछली निकालो वो हमेशा फ्रेश ही रहती है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। तो जिंदगी में एजुकेशन की कोई सीमा नहीं, हर इंसान हर सिचुएशन आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाती है और अपग्रेड करते रहो। बहुत सही कहा कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जो समय आने पर और समय समय पर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। रीटा गंगवानी जी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रीटा गंगवानी जी हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं और आपको बता दूं कि रीटा गंगवानी जी मल्टी टैलेंटेड हैं। मल्टी टैलेंटेड इसलिए आपको कह रही हूं क्योंकि अभी और भी बहुत सारे टैलेंट आपको जानने को मिलेंगे। तो सिंगिंग का भी आप शौक रखती हैं, गाना भी आप गाती हैं, तो सबसे पहले दो तीन लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी, हाँ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ 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 थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। ओ हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। बहुत खूब। जितनी सुंदर आप दिखती हैं उतनी ही सुंदर आपकी आवाज़ है। और मुझे लगता है जो लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते होंगे, या आसान शब्दों में कहें बहुत जल्दी नेगेटिविटी उनके पास आ जाती होगी, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते होंगे, उनके लिए रीटा जी बहुत अच्छा एक उदाहरण है। और मैम, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि बहुत सारे लोगों से आपका मिलना होता है और बहुत सारी चीज़ें आप उन्हें सिखाते हैं, तो जीवन में इस तरीके के लोग भी आए होंगे जो बहुत जल्दी हताश बहुत जल्दी निराश हो जाते होंगे, तो उन्हें किस तरीके से आप हैंडल करती हैं? देखिए, उन्हें हैंडल करने का सिर्फ नज़रिया ये है कि पहले समझना पड़ता है कि ऐसा हुआ क्यों। दो चीज़ मैंने देखी है ज़िंदगी में, अगर कोई पीछे रह जाता है तो दो ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। एक है पेशेंस की कमी। हम आजकल के बच्चे इंस्टेंट ज़माने के बच्चे हैं, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट वो, हर कोई चाहता है कि सक्सेस इंस्टेंट मिल जाए, लेकिन इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती, इंस्टेंट सक्सेस कभी टिकती नहीं है। सक्सेस हमेशा मेहनत करके मिलती है, सही रास्ते से मिलती है। इसलिए पहली चीज़ ये पेशेंस रखिए। कहते हैं कि अगर परिस्थितियाँ आपके विपरीत हैं, कुछ सही नहीं हो रहा, तो खुद का रास्ता थोड़ा बदल लेना चाहिए जी। लेकिन रीटा जी, बींग अ गर्ल, जिस तरीके से आपने बताया कि माँ का साया भी बहुत ज़रूरी है और वो नहीं मिल पाया, अछूती रही हैं आप उससे, तो क्या आपको अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ा, या लगा कि बहुत कष्ट मिल रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं? देखिए, कष्ट जो भी मुझे मिले, यस, एक लड़की होने की वजह से भी मिलते हैं, क्योंकि देखिए, कहने को आप पेपर वर्क भी कितना भी कह दें कि ग्लास सीलिंग लड़कियों ने तोड़ दी है, लेकिन कई जगह हैं जहाँ पे अभी भी लड़कियों को पीछे समझा जाता है। आप एक मुकाम पे पहुँचते हैं, मैं अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ एज अ ट्रेनर, वहाँ पे चार बॉयज़ ट्रेनर होंगे, एक लड़की होगी, तो वो पहले बॉयज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे ये सोच के कि नहीं, वो बाद में समझ पाते हैं कि लड़कियाँ भी उतना ही अच्छा कर सकती हैं। तो रुकावटें वो तो आएंगी ही, और हमको खुद को प्रूव करना पड़ता है, ये बात को मैं डिनाइज नहीं कर सकती। हाँ, प्रूव आपने किया भी है, ये सबको दिखाई दे रहा है। आपने बताया कि पिताजी का हमेशा सपोर्ट मिला है, और शादी के बाद क्या जो जीवन साथी है उसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, उनसे आपको वो साथ वो सपोर्ट मिल पाया? बिल्कुल 100% मिल पाया। और मैं समझती हूँ हर एक लड़की के लिए अगर उसका जीवन साथी उसका सपोर्ट बन जाए तो वो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सिर्फ उसी का सपोर्ट नहीं, लड़कियों को भी हमें समझना चाहिए कि अपने को हर माहौल में कैसे ढालें। आप उनके साथ, अपने इन-लॉज के साथ थोड़ा सपोर्ट लीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। इट्स अ टीम वर्क। ये नहीं कि आप हर टाइम में कहते कि सब कुछ मुझे ही मिले। लाइफ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट्स। आप जब एडजस्टमेंट्स करके आगे बढ़ते हैं तो आपको हर जगह से सपोर्ट मिलता है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और आज शायद वो नहीं मेरे को सपोर्ट करते तो मैं इतनी उपलब्धियां ना ले पाती जिंदगी। तो हमेशा साथ आपको मिल पाया है, शायद यहाँ तक पहुँचने का एक ये भी कारण रहा है। रीटा जी, आप ट्रेनिंग भी देती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी देती हैं, रेकी भी आपको बहुत अच्छे से आती है, और बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए जी।
ऐसा था कि जब स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती थी तो जैसे मैंने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तकलीफ है, नानक दुखिया सब संसार। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, आप ये मत समझिएगा ज़िंदगी में अगर कोई स्ट्रगल करें तो आप अकेले हैं, नहीं, हर इंसान ज़िंदगी में लड़ रहा है, हर एक की एक अपनी स्टोरी है, लेकिन कई बार वो उन स्टोरियों से मैं उनको निकाल ही नहीं पाती। तब मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनमें कॉन्फिडेंस डाल पाऊं। तब मैंने हीलिंग सीखी, मैंने टैरो सीखा, मैंने रेकी सीखी, मैंने चियोज एनर्जी सीखी, और उन कलाओं के थ्रू फिर मैं उन बच्चों को हील करके उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे के फिर उन नेगेटिव सिचुएशंस में से निकाल पाई। तो ये मेरे लिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही थी जो मैंने हीलिंग उनके लिए सीखी है, और खुद के लिए भी ऑफकोर्स मुझे ये बहुत काम आती हैं चीज़ें कि मैं खुद के ऊपर भी इसे यूज़ करती हूँ और औरों के ऊपर भी यूज़ करती हूँ उसको। तो हीलिंग आपने सीखी, रेकी आप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो आपने करना शुरू, कुछ और चीज़ें भी मैं करती हूँ जिसके बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगी, क्यों करती हूँ ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं क्रोशिया करती हूँ और मैं ज्वेलरी बनाती हूँ। अब ये एक किस्म की हॉबी भी है, लेकिन मैं इसको हॉबी के रूप में नहीं देखती, मैं इसको एक मेडिटेशन के रूप में देखती हूँ, क्योंकि जब मैं एक एक स्टिच उठाती हूँ क्रोशिया से तो हर बार किसी न किसी गुरु का नाम लेके या कोई ना कोई मंत्र बोल के करती हूँ। होता क्या है, आपका दिमाग फोकस्ड रहता है, आप गलत चीज़ें नहीं सोचते, आप पॉजिटिव सोचते हैं और बड़े सेंटर्ड रहते हैं। तो मैं अपनी हॉबीज़ को भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब प्रॉब्लम आ रही होती है मैं अपने क्रोशिया करते करते बड़े बड़े कंबल तक बना लेती हूँ, और वो कंबल भी आप सोचिए कि कितने मंत्रों से जुड़े होते हैं और कितने पॉजिटिव होते हैं। तो ये सबको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में खाली मत बैठिए, कोई ना कोई ऐसी हॉबी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपने लिए अपनाएं। तो ये जिस तरीके का आपका नेचर है, लोग भी इस चीज़ से समझ पा रहे होंगे कि इतना पॉजिटिव होने का राज क्या है। लेकिन एक चीज़ और है, एक सवाल मेरे मन में और है कि आज के समय में अगर कुछ नहीं मिल पाता, मान लीजिए कि कुछ सोचा और वो नहीं मिल पाया, तो लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, थक कर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों के लिए क्या वो एग्जाम्पल है, या वो क्या करें उस सिचुएशन में कि वो हार ना माने? देखिए ऐसा है कि मान लीजिए इस संसार को चलाने वाली कोई तो शक्ति है, कोई हवा चला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई ऐसी शक्ति तो है। जब आपने अपना 100% दे दिया है और कुछ नहीं हो पा रहा, तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, सरेंडर योरसेल्फ। मैं की कोशिश कर रही हूँ कि जब कोई रास्ता ना दिखे, सरेंडर योरसेल्फ, भगवान आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात कही, मुझे लगता है कि इन बातों से पॉजिटिविटी दर्शकों को भी मिल रही होगी। तो जाते जाते रीटा जी क्या संदेश दर्शकों को देंगे? मैं जाते जाते सिर्फ यही कहूँगी कि वक्त हमेशा बदलता रहता है, वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता। अगर आप हार मान रहे हैं, याद रखिए वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता, वरना वक्त के बदलने में वक्त ही कितना लगता है। अपनी कोशिश जारी रखिए, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। बहुत खूब बात कही है, अगर आप इसे गौर फरमाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपके जीवन की अगर कुछ मुश्किलें हैं, कुछ कठिनाइयां हैं जो आपको लगता है कि हल नहीं हो पा रही हैं, वो ज़रूर हल हो पाई होंगी। तो रीटा गंगवानी जी से आपने मुलाकात की मैं बेटी हूँ मैं, और आज की इन शख्सियत से मिलकर रूबरू होकर मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का आपका समाधान हो पाया होगा। आज की पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।